हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है आगे आप लोगों के बीच क्या होने वाला है, आप और आपके लव इंटरेस्ट के बीच आगे क्या होने वाला है, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा या करेगी। आइए देखते हैं कि आगे आप लोगों के बीच क्या होने वाला है। आगे आप लोगों के बीच क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। हियर वी हैव द फर्स्ट कार्ड ऑफ विजडम, सेकेंड इज ऑफ एक्सपेंशन, डेस्टिनी एंड रिन्यूअल। नाइस। देखिए व्यूअर, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आप लोगों के बीच मुझे लगता है कि कुछ अगर एंड हुआ है ना, तो उसको एक एंडिंग मत समझिए। जैसे कुछ अगर ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, बातचीत बंद हुई है, कम्युनिकेशन बंद हुआ है, या कॉन्टैक्ट बंद हो गया है एक दूसरे से, या वॉट एवर एंड, ओके, जो भी वॉट एवर एंडेड, जो भी खत्म हुआ है, तो ऐसा लगता है कि उसको आप खत्म समझ रहे हैं, उसको समाप्ति समझ रहे हैं, उसको एंड समझ रहे हैं। बट इन रियलिटी दिस इज़ नॉट द एंड। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आगे आप लोगों के बीच एक नई शुरुआत होने वाली है, जो कि ज़्यादा बेटर होगी, ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। तो कुछ एंड नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा है ये एंडिंग है, तो ये एंडिंग नहीं है। एवरी एंडिंग हैज़ अ न्यू बिगिनिंग, ओके। हर एंडिंग में एक न्यू बिगिनिंग का चांस और स्कोप होता है, इसमें भी है। तो ऐसा लगता है कि ये किसी चीज़ की समाप्ति नहीं, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत है। और आप लोगों का, आप दोनों की जो जर्नी है, उसमें एक न्यू बिगिनिंग हो रही है और होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ रिन्यूअल का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि जो जो पौधा है, जो पेड़ है, जिस पर से पत्ते झड़ चुके थे और वो पौधा एकदम खाली हो गया था, अब वो वापस से हरा भरा होने लगा है, पत्तियाँ आने लगी हैं और अब फूल खिलने वाले हैं, कलियाँ आ रही हैं, फूल खिलने वाले हैं। ये वो समय है आप लोगों के लव लाइफ का, कि जहाँ पर ऐसा लग रहा था ये पतझड़ की वजह से या सूखने की वजह से ये पौधा पूरा डेड हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर वापस से हरी हरी डालियाँ, हरे हरे पत्ते और फूल आने वाले हैं। ऐसा लगता है कलियाँ खिलने वाली हैं या कलियाँ आ रही हैं। तो ये क्या है, कली खिलना क्या है? ये एक नए ऋतु की या नए मौसम का या नए फेज़ का एक शुरुआत है, जो कि आप लोगों के लव लाइफ में हो रहा है। तो वही कनेक्शन आपको एक नए सिरे से शुरू करना हो जाएगा, या अपने आप ही होगा वो रोमांस, एक नए सिरे से फिर से शुरू होगा आप लोगों के बीच। एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों के बीच होगी, जिसमें आप लोग ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे एक दूसरे के लिए, और वही कनेक्शन आपको एक रिफ्रेश वाइब देगा, एक रिफ्रेश्ड वाइब देगा, एक न्यूनेस आपको फील होगी, एक नएपन का एहसास होगा, जैसे सब कुछ नया नया है, ये प्यार नया नया है, ये रिश्ता नया नया है, इस तरह का भाव आपको महसूस होगा। उसी पर्सन के साथ एक नए सिरे से रोमांस और लाइकिंग और अट्रैक्शन फिर से होगा। तो एंड कहीं से नहीं हो रहा है, एक न्यू फेज़ में आप लोग एंटर कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, और ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि बेटर वर्जन होगा, ओके। तो ऐसा लगता है कि वेलकम कीजिए उस न्यू फेज़ को, और न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप बस ओपन रहिए, एक्सेप्टेंस में रहिए, रिसीविंग एनर्जी में रहिए, और सब कुछ अपने आप होगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ इन योर डेस्टिनी। ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये रिन्यूअल होने वाला है आपके रिश्ते में व्यूअर्स, एक नई शुरुआत होने वाली है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी रिटन, ऐसा होना ही है। आप लोगों को एक दूसरे से मिलना ही है,
और आप लोगों को किस समय बाद, कितने समय के बाद या कितने समय के अंतर्गत आपको बिछड़ना है। तो यानी कि अगर आपका कोई सेपरेशन या कुछ ऐसा डिस्टेंस आया भी, तो वो भी एक पहले से निर्धारित या रिटन चीज़ थी आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में ये रहा है कि आप उस इंसान से मिलेंगे, ऐसा वैसा होगा और उसके बाद आपका सेपरेशन या एक डिस्टेंस आप लोगों के बीच आएगा। लेकिन उसके बाद जो जर्नी होगी उसमें कुछ वैल्यू होगी, क्यों? क्योंकि वो रियलाइज़ कर चुके होंगे कि एक दूसरे की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो दोनों रियलाइज़ कर चुके होंगे कि एक दूसरे की इम्पोर्टेंस क्या है, प्यार क्या है और एक दूसरे का हमारे लाइफ में रोल क्या है। तो बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू रियलाइज़ हो गई होगी, बहुत सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी, तो फिर एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। तो ये ऑलरेडी डेस्टिनी में लिखा है और इसीलिए होने वाला है। तो आप अपनी डेस्टिनी पे ट्रस्ट रखिए कि जिस भी दिशा में आपकी किस्मत आपको लेकर जा रही है, वो दिशा आपके लिए परफेक्ट है, सही है। आपको ज़्यादा घबराने की, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की या ज़्यादा अजम्पशंस, नेगेटिव अजम्पशंस करने की, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपको जिस डायरेक्शन में लेके जा रही है वो एक करेक्ट डायरेक्शन है। ओके, और जो भी डेस्टिनी में लिखा है सिर्फ वही वही हो रहा है। तो डरिए मत, इन्जॉय कीजिए जो भी होने वाला है उसको। ये मत सोचिए रिश्ता एंड हो गया, ये मत सोचिए आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सब होगा लेकिन ये नेचुरली होगा। ओके, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना है, आप अपनी लाइफ को खुल के जॉयफुल होकर जीना स्टार्ट कीजिए, सेल्फ लव करके जीना स्टार्ट कीजिए। बाकी ये सब तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो अपने आप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आप पहले कर चुके हैं, जो आप करते आ रहे हैं, उसका परिणाम अपने आप ही आपको मिलेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है अभी इस वक्त। ओके, और आगे मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच जो रिश्ता है ना व्यूअर्स, वो एक बेस्ट फ्रेंड जैसा हो जाएगा, जिसमें आप लोगों का बॉन्ड जो है, आप लोगों का जो कनेक्शन है, बॉन्ड है, वो डीप ज़्यादा होगा। खाली इतना नहीं कि अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, एक दूसरे की तरफ एक एक पैशन फील हो रहा है, सिर्फ इतना नहीं, ऑफकोर्स ये होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक डीप कनेक्शन भी होगा, जिसमें आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों के बीच, एक स्ट्रॉन्ग डीप बॉन्ड होगा आप लोगों के बीच। तो मुझे लगता है कि ये रिश्ता और एक्सपेंड करने वाला है, क्योंकि यहाँ एक्सपेंशन का कार्ड आया है, यानी कि अगर किसी छोटे लेवल पर था तो बड़े लेवल पर जाने वाला है, ये किसी फर्स्ट स्टेज पे या प्राइमरी स्टेज पे था तो सेकेंडरी स्टेज पर जाने वाला है, या फिर सेकेंड स्टेज पर जाने वाला है ऐसा लगता है। तो एक लेवल अप होने वाला है, यानी कि एक्सपेंड करेगा, यानी कि और ज़्यादा डीप होगा, और ज़्यादा वाइड इसका कह सकते हैं इसका स्कोप होगा। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है ना व्यूअर्स, वो और फलने फूलने वाला है, साफ साफ कहें तो एक्सपैंड होने वाला है, एंड नहीं होने वाला। ऐसा लगता है कि लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आगे आने वाली जो जर्नी है, जो न्यू फेज़ है, न्यू बिगिनिंग है आप दोनों के लव लाइफ की, उसमें लोगों का भी बहुत सपोर्ट होगा आप लोगों को, या आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, या आप दोनों के अलग अलग फ्रेंड्स हैं जो आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को काफ़ी मोटिवेट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, या फिर फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी हैव सम वाटर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों की फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं यहाँ पे, किसी के रिश्ते की बात हो सकती है, या किसी का रिश्ता अगर पहले एक बस एक सिंपल रिलेशनशिप था तो अब रिश्ता ऑफिशियल हो सकता है, एक सिंपल कैजुअल रिलेशनशिप अगर था अभी तक तो अब ऐसा लगता है कि अब रिश्ता ऑफिशियल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सीरियस हो सकता है ये कनेक्शन आगे जाके, यानी कि घर वालों से बात करना, या घर वालों का मिलना, या घर वालों को बताना, या घर वालों का इन्वॉल्व होना। ओके, तो रिश्ता एक ऑफिशियल लेवल पर भी जा सकता है आगे जाके, क्योंकि लगता है फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, या लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, या लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखिए येलो फ्लावर्स है, जिससे मुझे ऐसा भी लगता है पॉजिटिविटी भी लग रही है और एक फ्रेंडशिप लग रही है, यानी कि अच्छी मित्रता,
मित्रता से मतलब ये नहीं कि एज इट इज आप एक्यूरेट हो उसको, सॉरी नॉट एक्यूरेट, लेकिन एज इट इज अगर आप उसे दोस्ती समझ रहे हैं तो दोस्ती की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पवित्रता की, फेमिलियरिटी की, हारमोनी की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं दिखता है कि कितनी पॉजिटिविटी के साथ जो रिश्ता है वो एक दोस्तों की तरह बहुत कंफर्टेबल होने वाला है, बहुत कंफर्टेबल, जैसे फ्रेंडशिप होती है वो बहुत कंफर्टेबल होती है, बहुत लाइट होती है, बहुत जॉयफुल होती है, उसी तरह का ही रिश्ता होने वाला है और उसी तरह का लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी होने वाला है। कोई नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि फैमिली इन्वॉल्व अगर हो रही है या दोस्त इन्वॉल्व हो रहे हैं तो नेगेटिव इंटेंशन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं, ऐसा लगता है कि आगे आप लोगों के बीच जो भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं या जो भी लोग आपकी लाइफ में आपको गाइड कर रहे हैं वो अच्छा ही, पॉजिटिव ही कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अगर प्रे किया था तो बहुत सारे लोगों की एक विश पूरी हो रही है अपनी लव लाइफ को लेकर, या मैनिफेस्टेशन की थी तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है वो मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, जिस भी एनर्जी पर, जिस भी फॉर्म पर आपका विश्वास है वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने उनसे प्रे किया है या उन पर विश्वास रखा है तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट अब आपको वो देंगे, उसका पॉजिटिव रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा और अब आपको समझ में भी आएगा कि आपने जहाँ प्रे किया है, जिसको प्रे किया है, वहाँ आपकी आवाज़, आपकी बात सुनी गई है, वहाँ तक आपकी जो रिक्वेस्ट है या आपकी जो प्रेयर है वो वहाँ तक पहुँची है। योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड, इस बात का आपको रिजल्ट दिखेगा। यस, तो मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आगे आप दोनों के बीच जो होने वाला है वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। और कहीं ना कहीं देखिए इसमें भी ऐसा लगता है जैसे दो लोग बैठे हैं यहाँ पर और ये दो जो बड़े हैं, इनके सीनियर्स हैं या एल्डर्स हैं, इनके ब्लेसिंग्स ले रहे हैं अपने घुटनों पर, नीज पर बैठ के। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों का आशीर्वाद यहाँ होगा। ओके, बड़े बुजुर्गों का, परिवार के जो बड़े होते हैं उनका आशीर्वाद या स्वयं भगवान का, परमपिता परमात्मा का। ओके, यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद भी है, यानी डिवाइन ब्लेसिंग्स भी आप लोगों के साथ हैं और इसीलिए ये एक पॉजिटिव जर्नी यहाँ स्टार्ट हुई। देखिए यहाँ पर भी फूल खिलते हुए दिख रहे हैं, यू कैन सी द फ्लावर्स हियर, और यहाँ पर भी मुझे फूल नज़र आ रहे हैं। तो देखिए व्यूअर्स, आपके लिए पीले फूल बहुत लकी हैं आगे आने वाले दिनों में, पीले फूल और साथ ही साथ गुड़हेल का फूल। हमारी तरफ उसे गुड़हेल का फूल कहते हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी तरफ क्या कहते हैं, लेकिन मैंने सुना है उसे अंग्रेज़ी में हिबिस्कस कहते हैं। तो वो हिबिस्कस फ्लावर जो है, स्पेसिफिकली हिबिस्कस फ्लावर अगर आपको दिख रहा है कहीं, या आपके घर में कैसे भी आ गया है, या आपके घर के गमले में, पौधों में ही आया है, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है आपके आने वाली लव लाइफ के लिए। अगर आपको हिबिस्कस फूल कहीं दिखा है, या आपके घर में ही खिला है, या आपके घर में कहीं से आया है किसी के थ्रू, किसी के माध्यम। ओके, तो ये फूल बहुत लकी है और उसके अलावा पीले फूल तो लकी हैं ही, पॉजिटिविटी के लिए अच्छे हैं, आप उन्हें अपने आसपास रख सकते हैं जैसे घर में या अपने औरा में आसपास कहीं। लेकिन सबसे जो लकी बात मैं कह रही हूँ वो गुड़हेल के फूल के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ना वो विजन में दिख रहा है, बार बार मेरी आँखों के आगे गुड़हेल का फूल आ रहा है, तो लकी है आप लोगों के लिए। ओके, या मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि लोग आपसे अच्छा बोलेंगे। ओके, ये मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपकी तारीफ करेंगे, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं आपकी काफ़ी तारीफ़ करेंगे, या आपके फ्रेंड्स फैमिली भी हो सकते हैं जो काफ़ी तारीफ़ करेंगे, या वर्क पर अपने काम में, जॉब में, या जो भी आप करते हैं जिस भी प्रोफेशन में है वहाँ पर काफ़ी अप्रिसिएशन मिल सकता है, काफ़ी अप्रिसिएशन या काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, आगे सिचुएशन भी ऐसी आएगी जहाँ पर आप लोगों को ना अपनी अपनी बहुत मेच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा। यस, आगे दो ऑप्शंस भी आ सकते हैं, दो रास्ते भी आ सकते हैं, और एक ऐसी सिचुएशन ज़रूर खड़ी हो सकती है जहाँ पर आपको एक बड़ा और वाइस डिसीजन लेना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये गाइडेंस भी है कि वो ऐसा अगर कोई मेजर डिसीजन, इम्पॉर्टेंट डिसीजन अगर आप लेने वाले हैं या आपके ऊपर आ जाता है कि आपको लेना है, तो आप बहुत उसको इमोशनल ना होकर, बहुत प्रैक्टिकल भी ना होकर मैच्योरिटी के साथ लीजिएगा। क्योंकि देखिए डिसीजन तो लेना पड़ेगा, आप उसे डिले ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई पूछता है कि एक दो दिन में बता दो हाँ या ना, ऐसा, या कुछ परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें लंबा समय मिल नहीं पाता है सोचने के लिए, तो आपको कम समय मिलेगा सोचने के लिए, फैसला आपको जल्दी करना होगा, दो रास्ते आपके सामने आएंगे या दो ऑप्शंस, दो पर्सन भी आ सकते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है
कि आपको बहुत वाइस डिसीजन लेना होगा और इस बात की क्लैरिटी रखनी होगी कि एट द एंड ऑफ द डे चाहिए क्या। जिस इंसान को इस बात की क्लैरिटी नहीं होती कि वो चाहता क्या है, वो हमेशा सारी ही अच्छी चीज़ों में कंफ्यूज रहता है, क्योंकि उसे सारी ही अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सारी ही अच्छी चीज़ों को अपने पास रखना चाहता है और वो किसी एक पर फोकस नहीं कर पाता। इसलिए उसे एक चीज़ तो मिलती नहीं है और सारी तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए आप क्लैरिटी रखिएगा अपने थॉट में कि आपको आखिरकार चाहिए क्या लाइफ में, और जब आपके पास ऐसी परिस्थिति आती है अच्छा डिसीजन लेने की, तो अपना डिसीजन सोच समझ कर मैच्योरिटी के साथ लीजिएगा। आपकी मैच्योरिटी आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके या तो आप लोगों के बीच आगे सब मुझे अच्छा लग रहा है। इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल ब्यूटिफुल। या आइए चलिए देखते हैं आप दोनों के नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं। तो काफी सारे अल्फाबेट्स हमने लिए हैं। के हो सकता है के, जेड, एम, यू, एफ, आई, एन, एस, पी, एस पी एल, आर। सो आर के जेड एम यू एफ आई एन एस पी एल, ये कुछ अल्फाबेट्स हैं व्यूवर्स ये, जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। ओके चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। आप कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।